न्यूक्लियक एसड्स द डी एन ए फर्स्ट द कॉन्टेंट्स कैमिकल कम्पोजिशन ऑफ डी एन ए स्ट्रक्चर ऑफ डी एन एंड डी एन एज हेरिडिटी मटीरियल कैमिकल कम्पोजिशन डी एन ए के स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो डी एन ए इज़ आल्सो कॉल्ड एज द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसड्स इसके सिंपल वजह डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो जो न्यूक्लोटाइड्स में डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लोटाइड दे आर मेकिंग द डी एन ए मालिक्यूल्स जैसे तो केमिकल कम्पोजिशन में फिर जो चारों तरह के डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट इज द डी ए टी पी डी जी टी पी डी सी टी पी एंड डी टी टी पी वो चारों मिलकर जो है वो डी एन ए का मालिक्यूल कम्प्लीट करवाते हैं अच्छा यहाँ इट्स एक चीज़ बड़ी क्लियर है डी एन ए खुद एक बहुत ह्यूज साइज मालिक्यूल है लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन को अगर हम देखें तो केमिकली डी एन ए काफ़ी सिंपल मालिक्यूल है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ऑनली फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओके जी द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए मालिक्यूल डी एन ए का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये आई थिंक ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट दिस वन कि वाटसन और क्रिक ने नाइनटीन फिफ्टी थ्री के अंदर डी एन ए का डबल हेलिकल मॉडल जो था उसको पेश किया है डी एन ए का डबल हेलिकल मॉडल अगर हम स्टडी करें तो यही कहता है कि बेसिकली डी एन एज मेड अप ऑफ टू स्टैंड ऑफ पोली न्यूक्टाइड चें्स न्यूक्टाइड जब मिलते हैं तो पोली बनती हैं दो चेन एक दूसरे के अराउंड रैप होती हैं और इसकी रैपिंग से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हेलिकल कहते हैं जो टर्न होती हुई बाल खाती हुई चीज़ को हम क्या कहते हैं हेलिकल फॉर्म है जैसे स्प्रिंग है जिस तरह से तो ऐसे ये हमारे पास एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डी है अब अगर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को देखें तो दोनों जो डी के स्टैंड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं हमेशा डी के एक स्टैंड को हम लिखते हैं फाइव टू थ्री एंड फाइव टू थ्री एंड का मतलब ये है कि जहाँ फाइव लिखा हुआ है एक्चुअली वहाँ फास्फेट ग्रुप मौजूद है और जहाँ थ्री एंड है इसका मतलब यह है कि यहाँ हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ शुगर मौजूद है तो फाइव एंड पे हमेशा फास्फेट होता है जबकि थ्री एंड पे हमेशा हाइड्रोक्सल ग्रुप है डीएनए की बैकबोन को अगर आप देखें तो इसमें बैकबोन ऑफ डीएनए जो है इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट तो ये एक इस तरह से जो है वो चेन है दोनों स्टैंड को अगर आप देखें दे आर एंटी पैराल एक फाइव टू थ्री में चल रहा है तो दूसरा थ्री टू फाइव डायरेक्शन में होगा यानी इनके जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अगर एक फॉरवर्ड में है तो दूसरा इसके इनवर्स में चलता है अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के दरियान जो लिंक है जो बॉन्डिंग है वो इट इज़ ड्यू टू नाइट्रोजन बेसिस नाइट्रोजन बेसिस क्या करते हैं एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री पेयरिंग करती हैं गवानी ऑलवेज पेयर्स विद साइटिडीन यानी गोनोसिन को अगर हम देखें गवानी नाइट्रोजन बेस है इसका न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाता है गोनोसिन कहलाता है तो गोनोसिन जो है वो साइटोसिन का नाइट्रोजन बेस जो साइटोसिन नाइट्रोजन बेस है तो न्यूक्लियोटाइड साइटिडीन कहलाता है तो सिंपली गानोसिन न्यूक्लियोटाइड विल पेयर विद साइटीडीन इसी तरह से थाइमिन नाइट्रोजन बेस का जो निक्लोटाइड है उसको हम कहते हैं थाइमीडीन तो थाइमिडीन की हमेशा पेयरिंग जो है वो एडीनोसिन के साथ होंगी थाइमीन और एडीन आपस में लिंक होंगे तो गवानीन और साइटोसिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा जबकि एडीनीन और थाइमिन के दरमियान हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ अपना केयर के ये की जाती है कि जब ही हम साइटोसिन और गवानी की पेरिंग शो करें तो वी ऑलवेज ड्रॉ आर डॉटर लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर थाइमिन और एडीनिन के दरमियान है तो अगेन वी विल मेक अ डॉटोला अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो इसलिए आपने हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डे को डॉटल लाइन से शो करना है रोल ऑफ डीएनए एन एज हेरिडिटी मटेरियल डीएनए को डीएनए कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आ सेल तमाम सेल की एक्टिविटीज को डीएनए बेसिकली कंट्रोल करता है क्योंकि तो सेल को अगर हम देखें सेल में थ्री फोर मेजर टाइप्स जो बायो मालिक्यूल्स की हैं प्रोटीनस आर एन ए डी एन ए कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड मालिक्यूल्स इन तमाम चीज़ों को जब साइंटिस्ट का एक पूरा इसके ऊपर कंसेंसस था कि डी एन ए के पास वो एबिलिटीज़ मौजूद हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इसको हेरिटरी मटेरियल कहते हैं क्योंकि ये एक कंजर्व मालिक्यूल है स्टेबल मालिक्यूल है और फिर डी एन ए ही वो मालिक्यूल है जो आगे नेक्स्ट जनरेशन में वो इक्वल अमाउंट में फादर और मदर्स की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है इस तरह से डी एन ए का जो इंपॉर्टेंट रोल है एक एज़ जेनेटिक मटीरियल है जेनेटिक मटेरियल का मतलब यह है कि हमारी तमाम जितनी भी इन्फॉर्मेशनस हैं वो डी के पास स्टोर हैं और वहीं से क्या होती हैं वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरा वर्सेल जो है या बॉडी हमारा अमल करेगा उनके मुताबिक सेम इज द केस जो आप पेरेंट्स से जो करेक्टरसिक्स आते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में यानी फादर और मदर से जो ट्रेड्स जो करैक्टरसिक्स उसके यंग वन में मुंतकिल होते हैं वो वाया डीएनए होते हैं जो गैमीट्स होते हैं एग और स्पर्म्स उनके अंदर बेसिकली क्या है कि डीएनए है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जो तमाम इंफॉमेशन को जायगोट में यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर मुंतकिल करता है